अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फिर हम डिप्लोमा 2018 जामिया का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस होगा और फिर उस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि उस पर अगर और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकें। तो हम एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह से पर्टिकुलर टॉपिक को ही डेवलप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कर सकें। अभी एक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपसे कह रहा है अल्फा बीटा आर जीरोस, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड आपसे कह रहा है गामा एंड डेल्टा, दीज टू रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ, अब ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहा है अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा। अब होता क्या है, ये बेसिकली अगर मैं आपसे फिर वही कॉन्सेप्ट की बात करूं, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे कह रहे हैं द ऑप्शन आर टू पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आपसे कह रहे हैं इनकी वैल्यूज आप बताइए। तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमें इजी लगता है देखने में, हम सोचते हैं कि हम कर भी लेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बेस्ड वाला है, लेंथी है। मैं अक्सर एग्जामिनर बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटे ऐसे क्वेश्चंस किया कीजिए जो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएं तो आप ट्राई ये करिए कि एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन्हें आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैं अब आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी में ही आपके पास क्या है, इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर डबल व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट्स ऑफ इट्स एरिया। अगर आपने ट्राइंगल की साइड को डबल कर दिया तो उसके एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा या 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही करने का है। अब एक चीज़ तो इसमें ध्यान रखिए, जब ट्राइंगल की बात कर रहा है तो चाहे आप उसे राइट ट्राइंगल ले लीजिए, चाहे आप उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए, चाहे सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट वाला ले लीजिए, आप जो चाहे ले लीजिए उस पर ये सूट करेगा। क्या मतलब है, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटे कि सपोज करो मैं एक लाइन ऐसे लिख दूँ, आप सबको पता है हाफ बेस इनटू हाइट, अगर हमारे ट्रायंगल की, मैं यहीं पर करके दिखा भी रहा हूँ आपको कि जो एकदम से हो सकता है, अगर हमारे ट्रायंगल की बेस जो बी है और हाइट एच है तो आपका एरिया हो गया ये हाफ बेस इंटू। अब आप कह रहे हो डबल कर दो साइड्स को, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर डबल, तो आप इसको 2b कर दीजिए और इसको 2h कर दीजिए, साइड्स का मतलब बेस भी और हाइट भी, तो अब ये 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो एरिया आपका पहले इतना था, जो आपका एरिया ये था हाफ बेस इनटू हाइट, अब वो कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 4 टाइम्स, वैसे इतना सी बात। अगर आप इसको इक्विलेटरल मान लीजिए अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, आपने कहा डबल तो अंडर रूट 3/4 टू ए स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर का क्या मतलब है अंडर रूट 3/4 4 ए स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर तो आपके पास पहले ही है, तो आप कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। इस तरह से आप अपने ट्राइंगल क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जो आप देखते ही कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम से आपके सामने आ जाएं। तो जो तो पहले क्वेश्चंस करिए ऐसे, फिर दूसरे क्वेश्चन ऐसे करिए जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है और जिसमें लेंथी कैलकुलेशन है, आपको लगता है मैं कर दूंगा लेकिन कैलकुलेशन है उसे आप थोड़ा सा बाद में करेंगे अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि मार्क्स दोनों के इक्वल हैं और एग्जामिनर चाहता है, ये देखिए एग्जामिनर की हरकत, एंट्रेंस वाले आपको सिलेक्शन नहीं देना चाहते, एंट्रेंस वाले चाहते हैं आपको रिजेक्ट करना। 10,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 सीट्स हैं, तो इसका मतलब 9,900 को इज्जत के साथ कैसे रिजेक्ट किया जाए, इस वजह से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, तो सीट सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ये तो होती इक्वलिटी एजुकेशन, अदरवाइज़ ये तो एक तरह से पार्शलिटी है कि आपको इज्जत के साथ, आपको लगे भी ना कि भाई नहीं, आप अपना ही ब्लेम करते हुए चले जाओ कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, खैर वो अलग पार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास, अब आपको क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में ही आपको उलझाना चाह रहा है, तो बच्चा जो है लगेगा भी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो इसी में उलझेगा। अगर आपने 5 मिनट इस क्वेश्चन में लगा दिए, आप प्रेशर में आ जाओगे यार 5 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन करने दें, तो इस तरह के क्वेश्चन को बाईपास मार देते हैं एग्जाम्स के टाइम में, लेकिन हम तो करेंगे क्योंकि हमने बताया। तो अब आप देखिए,
हमारे पास क्या है, आपको पहले तो कहाँ से आ रहा है ये आपको पता है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके जीरोज़ होते हैं अल्फ़ा बीटा, तो आपको मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपोन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपोन ए। तो इसी प्रॉपर्टी से हम करेंगे, हमें मालूम है कि अल्फ़ा बीटा जो हैं वो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन के, तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस पी माइनस बी अपोन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज वन। इसी तरह से आपसे कह रहा है गामा एंड डेल्टा रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन के, तो आपसे पता है गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा माइनस क्यू और गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा वन, तो ये आपके पास आ गए। अब आपके पास क्या होगा, अब आप जो हमें दिया है उसको देखिए, आपको दिया क्या है, आपको दिया है अल्फा माइनस गामा, ठीक है ये आपको दिया है अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो गामा स्क्वायर आएगा और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल्टा स्क्वायर आएगा और हमारे पास रूट्स के स्क्वायर्स का नहीं है, ठीक है, तो हम इनको स्क्वायर से बचने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पेयर को यहाँ लेते हैं जिसमें टर्म्स हमारे पास ना हों, इसको इसके साथ लेते हैं और इसको इसके साथ लेते हैं, मतलब अल्फा माइनस गामा को बीटा प्लस डेल्टा के साथ लेते हैं, तो ये ऑल फोर रूट्स आर डिफरेंट और फिर ये हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा, ठीक है ये हमारे पास बीटा माइनस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा, इनको ले लेते हैं। तो ज़रा इनकी वैल्यूज निकालिए, अल्फा बीटा मैंने आपसे कहा ना कैलकुलेशन बेस्ड है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा माइनस गामा बीटा माइनस गामा डेल्टा, ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करिए, बीटा अल्फा बीटा डेल्टा, फिर इसको करिए माइनस गामा अल्फा, फिर इसको करिए माइनस गामा डेल्टा। अब जिसकी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, किसकी वैल्यू रख सकते हैं आप, अल्फा बीटा की वैल्यू रख सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस पी, अल्फा बीटा की वैल्यू है वन, तो वन प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू वन, गामा डेल्टा की वैल्यू भी वन, तो ये आ जाएगा वन प्लस गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा, तो अल्फा डेल्टा आपके पास ये आ गया माइनस गामा बीटा, गामा बीटा आ गया और माइनस गामा डेल्टा, तो गामा डेल्टा की वैल्यू भी वन है माइनस वन, फिर आपके पास अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा अगर आपके पास है तो वो वन हो जाएगा और बीटा डेल्टा है तो कुछ भी नहीं आएगा, माइनस गामा अल्फा है कुछ नहीं आएगा लेकिन माइनस गामा डेल्टा है तो वन आ जाएगा। अब आप इससे देखेंगे ये माइनस वन ये प्लस वन, फिर आपके पास ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल हो गया, आपके पास कुछ बचा तो अब आपके पास ये बचा अल्फा डेल्टा माइनस गामा बीटा, फिर आपके पास है बीटा डेल्टा माइनस गामा अल्फा, ये आपके पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो अब आपके पास क्या आएगा अल्फा बीटा, ये आपके पास आ जाएगा गामा डेल्टा स्क्वायर, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस अल्फा स्क्वायर और गामा डेल्टा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो गामा डेल्टा बीटा स्क्वायर, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, अब ये वैल्यूज आ गई। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है वन, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस गामा डेल्टा की वैल्यू आपको मालूम है गामा डेल्टा की वैल्यू भी वन है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, फिर गामा डेल्टा की वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, फिर ये आपके पास क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू वन है, फिर ये आपके पास आ जाएगा गामा स्क्वायर, तो ये बस है। अब आपके पास क्या है, ये है गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब शायद इससे आगे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस टू गामा डेल्टा, ये आपके पास आ गया, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, कुछ याद आया आपको,
तो ये आपके पास है। अब इसकी वैल्यूज रखिए, आपको पता है आपने जो वैल्यू निकाली है ये रही, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस पी और गामा प्लस डेल्टा कितना है माइनस क्यू। तो आप वैल्यूज रखिए, तो आपके पास क्या है गामा प्लस डेल्टा कितना है माइनस क्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर, है ना भाई, माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस टू गामा डेल्टा, गामा डेल्टा है वन माइनस, ठीक है जी, ये पास आ गया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, माइनस पी का स्क्वायर, और ये कितना है माइनस टू इंटू वन, ओपन करिए ज़रा, तो क्यू का स्क्वायर माइनस टू, ये तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस टू, तो टू से, तो व्हाट इज़ द ऑप्शन, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए कहीं क्वेश्चन में आंसर है क्या, क्या दिया हुआ है सर, टू पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड क्यू माइनस पी स्क्वायर, तो ऑप्शन इज डी। तो ये हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा पे क्वेश्चन, कोशिश करेंगे आप, देखते हैं इसमें कोई और पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, नंबर ऑफ जीरोज पे, ठीक है, पॉलिनोमियल में एक ये दिया हुआ है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर इन ए पी देन, ये भी पॉलिनोमियल्स पे है, ठीक है, प्रॉपर्टीज बेस्ड, तो आपके पास क्या होगा, और क्या दिया हुआ है आपके पास पॉलिनोमियल में, यस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर फोर रूट बीटा टू बाई थ्री बीटा की पावर फोर रूट अल्फा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा की प्रॉपर्टी पे ही है, ये सब डिस्कस करेंगे हम। तो ये क्वेश्चंस हैं, कोशिश करिए आप इसको समझ के करने की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसी पॉलिनोमियल्स के, मैं पॉलिनोमियल्स में नहीं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, तो इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस हो चुका है, चलिए क्वेश्चन ये कर लेते हैं, कुछ तो क्वेश्चंस आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल विद ए डी इज इक्वल्स टू 10, आपके पास ये ए डी 10 दिया हुआ है, इफ़ द शेडिड एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आपके पास एरिया है ये 100 सेंटीमीटर, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल का द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेमी सर्किल, तो बिटवीन सेमी सर्किल्स ये होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपके पास क्या है, अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है और ए डी 10 है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको क्या दिया हुआ है ये 10 दिया हुआ है, ये आपको मालूम नहीं, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया एल इंटू 10, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर आपने इसमें से अगर ये सेमी सर्किल हैं तो ब्रेथ दोनों की सेम होगी, तो ये इसका हाफ हो गया, अगर ये सेमी सर्किल था तो रेडियस हो गई आपकी 5, तो आपने इसमें से एक सेमी सर्किल ये है और एक सेमी सर्किल ये है, तो दो सर्किल यानी एक सर्किल को माइनस किया होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया आपका 5, तो पाई 5 पर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, तो ये एरिया हो गया शेडिड पोर्शन का, अगर ये शेडिड पोर्शन का एरिया हो गया तो ये उसने दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है। तो अब आपके पास क्या हो सकता है, आप इसे इधर ले जाएंगे, तो 10 एल माइनस 25 पाई इज इक्वल्स टू 100, तो ले जाइए इधर, तो 10 एल इज इक्वल्स टू 100 प्लस 25 पाई, ये पास हो गया, 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे मैं 100 अपॉन 10 25 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2.5 पाई, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई लेंथ, अगर ये हमारी लेंथ है तो आपने 5 इसमें से ब्रेक किया और 5 इसमें से ब्रेक किया क्योंकि सेमी सर्किल है, तो ये 10 माइनस हो गया, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस में से 10 माइनस कर दीजिए, तो 10 प्लस 2.5 पाई में से आप 10 माइनस कर दीजिए, तो क्या रह गया सर 2.5 पाई, तो इसका मतलब जो बीच में डिस्टेंस है वो 2.5 पाई है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, हम फिर डिस्कस करेंगे, थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ में आता है अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है, हमारा सेंटर है स्टडी पॉइंट जामिया में। अगर आप और कुछ हेल्प चाहते हैं तो हमारी स्टडी पॉइंट वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।